हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कंट्रोल जी के सेकंड सीजन को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोल जी ये वेब सीरीज पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, और अगर आप इस सीरीज़ के फर्स्ट सीजन का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस सीरीज़ का सेकंड सीजन आज ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। इस सीजन में भी टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 30 से 40 मिनट के आसपास का है। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे पहला सीजन एंड हुआ था। और जिन भी लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ का पहला सीजन नहीं देखा है उनके लिए मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसकी कहानी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर अभी तक आपको इस सीरीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक टिपिकल हाई स्कूल ड्रामा है जिसमें हर एक वो एलिमेंट मौजूद है जो कि आप किसी भी हाई स्कूल ड्रामा से उम्मीद करते हो। इससे ज़्यादा अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो स्पॉयलर होगा। लेकिन अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीज़न का स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक ही है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट सीजन के बाद सोफ़ी की लाइफ कितनी बदल चुकी है और अब उसके क्लासमेट्स और उसके आसपास के लोग उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो सब इतना अच्छा तो है ही कि हमारे सीरीज़ में एक इंटरेस्ट बन जाता है। और फिर जिस तरह से इस सीज़न में एक धमाका होता है और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, उसे भी इतने अच्छे से तो लिखा ही गया है कि हम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट हो जाते हैं और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। और फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी मुझे अच्छे लगे, ऑल दो लगभग सारे ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थे और हमें पता होता है कहाँ जा रहे हैं और इन ट्विस्ट का आउटकम क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी ये ट्विस्ट इतने तो अच्छे रहते ही हैं कि हमें इस सीरीज़ के साथ जोड़े रखते हैं और बोर नहीं होने देते। और फिर जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, तो इस सीज़न में हमें लगभग सभी कैरेक्टर्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है और हम इन सभी कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन जो नए कैरेक्टर्स इस सीज़न में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स हैं वो पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न में भी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इस सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस पूरे सीज़न में आपको काफ़ी सारे क्लीशे मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपने इस सीज़न को देखते वक्त अपना थोड़ा भी दिमाग चलाया तो आप इस सीज़न की हर एक चीज़ को काफ़ी आसानी से गैस करते चले जाओगे और आपको पता होगा कि ये सीज़न कैसे एंड होने वाला है और ये सब कौन कर रहा है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीज़न में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपके इस सीज़न को देखने का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक ही है, किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस सीज़न का भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि कुछ जगह थोड़ा और बेहतर हो सकता था लेकिन एडिटिंग अच्छी है। और जहाँ तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक टिपिकल हाई स्कूल ड्रामा है, और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें हाई स्कूल ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आपने इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न को इन्जॉय करा था तो आपको ये सीज़न भी पसंद आएगा। तो आपको ये सीरीज़ देखनी है या नहीं ये आपके ऊपर है, और अगर आपने ये सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन शिकायत नहीं हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।